What's up guys, welcome back to the channel. And भाई आज का vlog मेरी बहुत गंदी हालत है. मैं बता नहीं सकता क्यों गंदी हालत है, because एक ऐसा step लेने जाने वाला हूँ जो मैं बहुत डरता हूँ. बिकॉज यार मुझे ना अपनी बॉडी पे जैसे कि टैटू हो गया, हेयर कलर हो गया, ये सब चीजें नहीं कराना अच्छा लगता. बिकॉज जो नेचुरल है मैं उसको नेचुरल रखने की कोशिश करता. बट सिंस मेरा काफी टाइम से ये भी कराने का मन था, एंड आपको याद होगा इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोल डाला था कि ये कलर कराओ या ना कराओ. वैसे तो आपने टाइटल से कलर देख लिया होगा, वीडियो आपने अगर आगे करोगे इसके बाद वो भी देख लोगे. बट देन थोड़ा सस्पेंस बना रहने देते ना जो अभी पूरी वीडियो देखने वाले शांति से. कलर ये कराने की बहुत टाइम से सोच रहा था, मुझे लग रहा था अब करवाऊंगा बिकॉज इसमें प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है एंड डैमेज होने के बहुत चांसेस है. तो एक काम करते हैं, पहले मम्मी से परमिशन तो ले ले, वो तो सबसे ज़्यादा जरूरी. यार सुनो मैं क्या सोच रहा हूँ, हंसना नहीं है तो अच्छा जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सुनो. मैं हेयर कलर करा लूँ. अरे क्या हो रहा है वो? कलर मत कराओ, केमिकल्स होते हैं उसमें सारे. नहीं यार कैमरा के आगे गुस्सा भी नहीं आता है. नहीं नहीं समझ गए लोग की बार ये चल रहे भाई. मेरे आप लोगों को पता तो है कि कलर नहीं कराना, ये नहीं कराना, वो नहीं कराना, तो वैसा तो सीन है. बट मैं तो कराऊं, इंस्टाग्राम पे अच्छी फोटोज आएंगे तो इसलिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. आई थिंक पहले चलते हैं जिम, उसके बाद जाएंगे हेयर कलर कराने. बिकॉज हेयर कलर कराने में आई थिंक 3 से 4 घंटे लगने वाले ऐसा मुझे बताया गया है. इस बार तो कह रहे रिकॉर्ड बारिश होने वाली है. अभी मेरे सामने जो व्यू है ना बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है. बाइक निकालने का मन है बट डेंजरस भी बहुत है, दिखा देता है एक बार. हवाएं चल रही हैं एंड ये बाहर का ये देख लो. अब ऐसे वेदर में किसका वर्कआउट करने का मन करेगा, बट देन जो चीज़ ठानी है वो करके रहेंगे और इसके बाद जो चीज़ ठानी है. एंड एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हाँ मैंने ट्रिप पे जाना था बट देन डैड का अर्जेंट काम आ गया था इसलिए मैं जा नहीं पाया. बट कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है. बारिश सैटरडे से इतनी तगड़ी हो रही है ना, मतलब आज क्या है, आज मंडे या ट्यूसडे है, आज का वेदर देख लो बहुत अंकलिंग वेदर बारिश ये थीट है. कि जो मैं हेयर कलर करा रहा हूँ यार, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं जब से घर से लेके यहाँ तक आया हूँ मैं बस यही सोच रहा था कराऊं ना कराऊं. बिकॉज इसमें थोड़ी सी तो हालत खराब हो रही है और पहली बार कराने में होता है यार स्ट्रेस तो होता ही है, बट हल्का सा स्ट्रेस है. तो एक काम करते हैं पहुंचते हैं एंड मैं सेम जगह से कराऊंगा बिकॉज मुझे उस बंदे पे थोड़ा सा ट्रस्ट है. तो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस होता है. भाई मैं ट्रिम शेड पहुंच चुका हूं यहां पे. आकाश को मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, भाई करा ले फिर हेयर कलर. बिल्कुल पक्का. अभी ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं 10 मिनट से ये डिस्कशन कर रहा था कि करवाऊँ या ना करवाऊँ, बट देन करवा लूँ. अभी डिस्कशन हो चुका है तो कहीं ना कहीं एक तसल्ली मिल गई है कि ओवरऑल सही टर्न आउट होने वाला है. एंड आई होप मेरे फेस पे सूट करे. मेरे पे करेगा, आपके भी करेगा. तो भाई देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है ओवरऑल. एक्साइटमेंट तो है बट देन थोड़ा सा टेंशन भी हो रहा है. बट अब करवाना है तो करवा के रहेंगे. भाई पहला स्टेप क्या होने वाला है? पहले प्री लाइट करेंगे इनको. ठीक है, कितने स्टेप होने वाले हैं? 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, अकॉर्डिंग टू टेक्सचर. तो अभी पहला प्री लाइट, तो क्या होगा मतलब एक बेस बनाएंगे ना? बेस बनाएंगे. तो भाई अपने रिस्क पे करवाना जो भी घर में करवाएगा, बट ओवरऑल जितना मुझे पता चला सेफ है तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं बस. तो भाई पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया है एंड इसके बाद पहले तो जो मैंने अपने बाल देखे ना मुझे खुद को अब वो होता है ना एक डबल माइंड आ जाता है कि भाई क्यों करवाया, वैसा आ रहा है. बट होप पे है कि ओवरऑल अच्छा टर्न आउट होने वाला है. तो आप लोग को मैं पहले सोच रहा था लास्ट में दिखाऊंगा बट देन दिखा देता हूँ. हंस लो भाई जिसको हंसना है. ये फाइनल हेयर कलर नहीं है, इससे बहुत डिफरेंट होने वाला है ना. है बहुत डिफरेंट होने वाला, फिर भी ये देख सकते हो. तो भाई ये सेकंड टाइम जो ब्लीच लगाई है उसके बाद ये कलर हो गया और लाइट हो गया. अब इसके बाद आई थिंक एक और बार होके देन फाइनल कलर लगेगा. अब ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही, टेंशन खत्म हो गई. तो यार 4-5 घंटे लगने के बाद फाइनल आउटकम ऐसा आ रहा है. एंड कमेंट करके बता दो, मुझे पता है मिक्स रिस्पॉन्स आने वाले, कोई बोलने वाला ब्लैक अच्छे थे, कोई बोलेगा ये अच्छे, बट पर्सनली मुझे बड़ा पसंद आ रहा है. दो मुझे थोड़ी सी टेंशन होती है कि कलर आएगा नहीं आएगा, बट देन थैंक्स टू दिलशाद एंड आकाश भाई जो रिजल्ट आया है बहुत सही आया है. एंड मैं पहले सोच रहा था यहाँ से जीरो ना करवा, बट देन यहाँ से पूरा जीरो करवा लिया एंड ओवरऑल अब ये बाल अलग से पता चल रहा है एंड बहुत सही लग रहा है. तो इन चश्मों के साथ अब लग रही है पूरी लुक कंप्लीट. भाई कमेंट करके बता दो. तो मुझे पर्सनल लेवल पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट मैं 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जो बताना चाहूँगा जो मैं लास्ट में बताऊँगा. कलर कराने अगर सोचोगे तो ये 2-3 चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस करी है मैं आप लोगों को बताऊँगा. तो प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखना एंड तब तक भाई लाइक कर दो, हिम्मत जुटा के ये करवाने के लिए. एंड कमेंट भी कर दो जो जो आपको लग रहा है अच्छा बुरा. अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अच्छा कमेंट करना, और बुरा लग रहा हो भाई तब भी कुछ अच्छा ही कर देना, मुझे मोटिवेशन बनी रहेगी, नहीं तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो ही जाता है. अब घर चल के देखते हैं मम्मी पापा बहन नानी का क्या रिएक्शन होने वाला है.
क्या करवा लिया। देखो अच्छा किदा लग गया। हां किदा लग गया। तू चिट्टा विच उत्ते फेरिया ना सारा ही इधरों कर देता। आओ अरे दैट्स नाइस दैट्स वंडरफुल। तो ये वाइट है ग्रे है? ब्यूटीफुल ग्रे है। नहीं इट्स ग्रे इट्स नाइस ब्यूटीफुल। पापा गुस्सा नहीं आ रहा आपको? लुकिंग नाइस अच्छा लग रहा है। हाँ नहीं नहीं इट्स लुकिंग नाइस। आई एम तो शॉक। बताओ ना यार कुछ मम्मी वाला रिएक्शन दो। डंडे डंडे चप्पल निकालो। वही तो दिल तो ये कर रहा है कि दो चार लगाओ। आ लुकिंग गुड बट लुकिंग वेरी अजीब। पर एक्चुअली गुस्सा दिखाओ ना जो बोल रहे थे। गुस्सा क्या? आई एम वरीड ना। व्हाट आर यू वरीड अबाउट? हां अच्छा तो लग रहा है। मैं ये नहीं कह रही अच्छा लग रहा है पर ये थोड़ा सा वो जो ब्लीच किया उसने चला। तुम्हें फैशन के लिए करना था बस रूट्स पे क्यों गए तुम? तो फैशन के लिए तो वैक्स भी आते एक दिन लगता अगले दिन। तो फिर बस वही कर लेते परमानेंट क्यों करवाया? मुझे अच्छा लग रहा था। तो आई एम वरीड नाउ। आई एम वरीड। ये असली अभी भी असली रिएक्शन आया नहीं। तब तक कैमरा ऑफ था बट देन दे दो यार। हाँ तो यार मैं पता नहीं जब भी अपने आपको कैमरा में देखता हूँ ना क्या है मतलब क्या सोच के मैंने करवाया है क्या सोच। अब कल फोटोज खिंचवाने जाना है सुबह शूट है तो तब पता चलेगा ये ओवरऑल कैसा लग रहा है। बिकॉज मुझे ये साइड से ना ज्यादा छोटे हो गए मुझे अच्छे नहीं लग रहे। पहले यहाँ तक होते थे बट देन ठीक है कलर मर्ज करना था। तो अब एक काम करते हैं कल के शूट के लिए मेरे पास कुछ पैकेजेस आए हुए हैं तो अनबॉक्सिंग करते हैं क्योंकि आप लोगों को अनबॉक्सिंग इतनी पसंद है। अमेज़न हमारा बेस्ट फ्रेंड है। अमेज़न से आए हैं कुछ कपड़े कल के शूट के लिए। सो ये आई है लुई फिलिप की एक शर्ट। साथ में आए हैं ट्राउजर्स फ्रॉम बेनेटन। इसमें क्या है? इसमें कुछ बड़ी अच्छी चीज है। ओहो ये शूज जो आए हैं यार ये साइज बड़ा। ये मैंने शूज मंगाए हैं एंड देन साथ में कूव से एक और टी शर्ट आई है इंस्टाग्राम पे शूट के लिए कि हमने थोड़ा रिस्क लेके कुछ डिफरेंट मंगाया है। ये है एक एनिमल प्रिंट की पिंक शर्ट बिकॉज प्रिंट शर्ट मुझे अच्छी लगती है एंड एनिमल प्रिंट। देखते हैं कैसे लगे ये भी आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। एंड देन आपको अब ये दिखाते हैं मेन चीज़। ये है कैसियो की एडिफिस वॉच। अब बिफोर आप लोग इस कलर को देख के सोचे कि हमें भी ये कलर करवाना है पहले माइक चेक कर लूँ। सही है भाई दूसरी बार मेरे साथ सुबह हो चुका है। दो बार की मैं बोलते बोलते माइक ऑफ था। अब इससे पहले आप लोग सोचे कि मैं भी हेयर कलर कराना चाहता हूं एंड इसलिए मैं आपको दो तीन चीजें पहले बताना चाहूंगा जो आप लोगों को माइंड में रखनी चाहिए अगर आप हेयर कलर कराने जा रहे हो स्पेशली ये वाला कलर। फर्स्ट थिंग हमारे कलर होते हैं ब्लैक बेस होता है ब्लैक। उसको भाई मेरे केस में तीन बार ब्लीच हुआ है डाई हुआ है उसके बाद जाके एक व्हाइट बेस बना है जिसके ऊपर ये कलर लग सका है बिकॉज प्लेन ब्लैक के ऊपर ये वाले सारे कलर नहीं लगते तो इसके लिए बेस बनाना पड़ता है। ये है अगर आप ब्राउन या फिर कोई डार्किश कलर में जाओगे अपने ब्लैक बाल के ऊपर हल्का सा ब्राउन टेक्सचर डालोगे वो हो जाएगा। देन आपको बेस इसके लिए चेंज करना पड़ता है जिसके कारण स्किन बर्न होता है हेयर बर्न होता है जिसके कारण वो कलर आता है। तो प्लीज बी केयरफुल एंड कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है बिकॉज केमिकल्स होते हैं इस चीज में केमिकल्स के कारण चीजें रिएक्ट करती है। तो अगर आपको ये आप बड़े यूट्यूब वीडियोज में देखोगे ना लोग हेयर कलर करा रहे वो करवाते हैं बट देन इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं तो प्लीज ये चीज माइंड में जरूर रखना। मुझे इसी बात की टेंशन थी कि साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं बट टचवुड एवरीथिंग वेंट वेल। अच्छे लग रहे हैं बाल फाइनली हमने यहाँ तक जीरो करवा ही लिए एंड साथ के साथ नेचुरल इज ऑलवेज द बेस्ट बट मुझे ये एक बार ट्राई करना था इसलिए मैं ट्राई करा। आई एम नॉट रिपेंटिंग आई एम लविंग इट। एंड साथ के साथ आज एक और चीज होने वाली है मैं अभी जा रहा हूँ हॉब्स एंड शॉ देखने या शॉ एंड हॉब्स हॉब्स एंड शॉ। तो फास्ट एंड फ्यूरियस की जो अगली फ्रेंचाइज मूवी है वो रिलीज हो गई है तो वो आज हम देखने जा रहे हैं सारे फ्रेंड्स के। तो पहले मैं सोच रहा था रिएक्शन वीडियो इसी में बनाऊं बट देन सिंस अभी मेरे पास टाइम नहीं है मुझे जल्दी से वीडियो एडिट करना सो दैट ये कल पोस्ट हो सके तो मैंने सोचा इसको हम डालेंगे अगली वीडियो में सो दैट आपको एक रिएक्शन मिल सके। आई होप कोई रिएक्शन दे बिकॉज मुझे पता है तो पढ़ने वाली मजाक उड़ने वाला है जैसे होता है भाई दोस्तों में सब चीजें चलती है। तो अब इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग एंड। सो आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन उससे आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग गोज लाइव। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई नो ये वीडियो थोड़ी छोटी थी बिकॉज आई वांट टू कीप इट अबाउट द हेयर कलर। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।